बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडिंग ब्लॉगिंग। तो जी हाँ, आज मैं एक और रिव्यू आपके साथ लेकर आई हूँ फेयर एंड लवली बेबी क्रीम का। तो फेयर एंड लवली बेबी क्रीम, जैसा कि आपको पता है, बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में और वाकई ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इतना यूज़ किया है कि अब ये बस आखिरी सांसों में ही है। तो रिव्यू कर लेते हैं इसके बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं कि ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी ये ठीक है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी ये ठीक है, मतलब कि ये हर तरह की स्किन पे एडजस्ट हो जाता है। और इसके अलावा एज़ यूजुअल मैं हर प्रोडक्ट के रिव्यू में बताती हूँ जिस प्रोडक्ट के पीछे उसके सारे इंग्रेडिएंट्स और उसकी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, वही प्रोडक्ट रियल होती है। तो फेयर एंड लवली बीबी क्रीम जो है, आप देख सकते हैं, इंस्टेंट फेयर लुक है, मेकअप फिनिश है और फाउंडेशन प्लस फेयरनेस क्रीम है। वाकई में ये बहुत अच्छी क्रीम है। आप इसको जस्ट अपने फेस पे अप्लाई करें और उसके बाद आप अपना जो मेकअप है आपका, जो आपने मेकअप यूज़ करना है आप वो कर लें। आपको बहुत ज़्यादा हैवी लुक बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिजनेस वूमेन हैं, आप आउटडोर जॉब करती हैं, तो ऐसी लेडीज़ के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि वो फेयर एंड लवली बीबी क्रीम जो है उसका ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इसको अप्लाई करने से आपको इंस्टेंट मेकअप लुक मिल जाती है और आप बहुत फ्रेश फील करते हो। बहुत ज़्यादा आपको अपने फेस पे बेसिस वगैरह अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो इसको खोलते हैं और आप देख सकते हैं इसकी हालत, इसको मैंने कितना यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ और अब इसको मैं अपनी स्किन पे अप्लाई कर रही हूँ। इसको अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी स्पॉट्स नहीं बनते, बिल्कुल भी आपका चेहरा जो है उस पर धब्बे नहीं बनते और ये बहुत अच्छी लुक आती है। तो इसको मैंने अप्लाई कर लिया है और अब आप डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो लोग फेयर एंड लवली बीबी क्रीम लेना चाहते हैं तो वो इसको ज़रूर परचेज़ करें और इसको ज़रूर अप्लाई करें। इससे आपके चेहरे पे कोई भी एक्ने नहीं होता। और तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप कौन सी क्रीम और आप कौन सी फाउंडेशन यूज़ करते हैं और उसका रिज़ल्ट कैसा है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।